हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 11th क्लास का टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। लास्ट टॉपिक आपका ये है गुणनफलों योगफलों का रूपांतरण त्रिकोणमितीय सरसमीकरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी इससे पहले जो एक्सरसाइज आपको कराई थी उसमें फॉर्मूले आपको कराए थे, उनकी हेल्प से आज नए फॉर्मूले बनाएंगे और उसका बेस प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले क्या थे पिछली बार आपको फॉर्मूले कराए थे हमने, ये जो साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी और साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूले कराए थे। अब इनकी हेल्प से आज नए फॉर्मूले बनाएंगे, वो कैसे, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, टू साइन ए कॉस बी, तो फॉर्मूला से ड्राइव होगा आपका ये टू साइन ए कॉस बी इजिकल, यानी प्रोडक्ट बन गया, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का प्रोडक्ट है साइन कॉस का। अब क्या वैल्यू होगी इसकी, ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इस पर उसको माइनस करूं तो क्या मिलेगा, माइनस करने से ये एडअप हो जाएगा, टू कॉस ए साइन बी, तो टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह के दो फॉर्मूले बनेंगे इन दो से, कॉस ए प्लस बी से कॉस ए माइनस बी से, अगर इन दोनों को एडअप करते क्या मिलेगा, कॉ टू कॉस ए कॉस बी। ये ट्रिक है, अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप ड्राइव कर सकते हो उसे, तो टू कॉस ए कॉस बी टू कॉस ए मिलेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और माइनस करेंगे हम इसमें से इसको, यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो क्या मिलेगा, टू साइन ए और साइन बी ये मिलेगा इससे, टू साइन ए साइन बी, ओके। अब इसके अलावा अगर हम ए प्लस बी को सी सपोज कर लें, देखो उससे नए फॉर्म बनेंगे, अगर ए प्लस बी को सपोज करें हम सी और इसको डी, यदि a प्लस बी को c सपोज करें और a माइनस बी को d, दोनों को ऐड कर दो इनको, तो 2a इज इक्वल टू c प्लस d, a मिल गया c प्लस d अपॉन 2, और माइनस करूं तो b मिलेगा c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। माइनस करने से ये कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस बी टू बी हो जाएगा, ओके। और ये दोनों वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो यहां साइन क्या बनेगा, फॉर्मूला नए चार फॉर्मूले ड्राइव होंगे इससे, साइन सी प्लस साइन डी, तो टू साइन ए कॉस बी
ए क्या है सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, इस तरह से बनेगा ये फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब यहां रख दो यहां सी यहां पर डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये फॉर्मूला बनेगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अगर यहां रखेंगे क्या बनेगा इसमें कॉस डी माइनस कॉस सी, उल्टा आएगा देखो कॉस डी माइनस कॉस सी टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अभी आठ फॉर्मूले हैं, चार ये फॉर्मूले 1 2 3 4 और चार फॉर्मूले ये हैं, ठीक है 6 7 8 9, ठीक है हम लेगा 5 6 7 8। अब ये पूरी एक्सरसाइज इन चार फॉर्मूलों का बेस है, ठीक है। ये फॉर्मूले आप ठीक से कर लें तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे हर हालत में, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम कैसे बनेंगे इसमें, अगर छोटी प्रॉब्लम आपकी है आपकी 1 मार्क्स में, ठीक है, तो प्रॉब्लम स्ट्राइक आएगी जैसे सिद्ध करो टू साइन 3a कॉस 2a साइन 5a इंटू प्लस साइन ए, ओके ये सिद्ध करना है। और छोटी प्रॉब्लम है लेफ्ट हैंड साइड, ये है टू साइन 3a cos 2a, ये फॉर्मूला है टू साइन ए cos b, फॉर्मूला टू साइन ए cos b क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए क्या है पास 3a, बी क्या है 2a प्लस साइन ए माइनस बी 3a माइनस 2a 3 प्लस 2 5 तो साइन 5a साइन ए, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और इसी में आपके आती है 2 मार्क्स वाली प्रॉब्लम, तो ऐसे आएगी जैसे करना आपको
सिद्ध करो साइन टू ए प्लस साइन टू बी अपॉन साइन टू ए माइनस साइन टू बी टेन ए प्लस बी अपॉन टेन ए माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए साइन टू ए प्लस साइन टू बी लगाएंगे फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी वाला, तो क्या था फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी टू ए प्लस टू बी अपॉन टू इंटू कॉस टू ए माइनस टू बी अपॉन टू। और सी यहां पर ये है टू ए और डी ये है टू बी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। नीचे भी देखो ऐसा ही साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला यही है मगर कॉस पहले आएगा, तो टू कॉस टू ए प्लस टू बी अपॉन टू और साइन टू ए माइनस टू बी अपॉन टू इस तरह से। ओके प्रूफ करना ही ध्यान रखना आपको, जिससे कैंसिल हो गया ये बनता है साइन या टू कॉमन ले लेंगे टू से टू खत्म साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी नीचे कॉस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी ठीक है इज इक्वल टू। अब देखो साइन अपॉन कॉस होता है टेन टेन ए प्लस बी। अब नीचे से देखो साइन अपॉन कॉस टेन तो नीचे आएगा टेन ए माइनस बी, अगर ऊपर से देखोगे तो कॉस अपॉन साइन तो आएगा कॉट और कॉट नीचे आकर बन जाएगा टेन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से दो मार्क्स वाली प्रॉब्लम ऐसी होंगी। और कराते हैं एक प्रॉब्लम देखो एक प्रॉब्लम है ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। प्रूफ करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, हाले इस एक्सरसाइज से मैच नहीं करता है ये क्वेश्चन फिर भी कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, इसमें मन को लिख दो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन ठीक है। इसको लिखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसके फैक्टर कर देंगे हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ऊपर नजर आ रहा होगा देखो टेन प्लस सेक ये टर्म यहां भी है यहां भी है ये कॉमन ले लेते हैं हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में आपको मिलेगा ऐसे वन माइनस साइन और ये वाली टर्म सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन
tan theta minus अभी दोनों टर्म एक जैसी हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म बचेगी tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ करके ये मिलेगा tan प्लस sec। ओके उसके बाद एक प्रॉब्लम है बहुत अच्छी है, सिद्ध करो। साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 इजिकल टू 3/16। प्रूफ करना है तो लेफ्ट साइड लेंगे हम, साइन 20 40 60 80। अब साइन 60 की वैल्यू सबको मालूम होती है, साइन 60 वैल्यू √3/2 होती है। साइन 20 इसको हम यूनिट देते हैं, अंदर साइन 40 और साइन 80। अब ऐसा कर लीजिए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और यहां पर 2 से डिवाइड कर दो, √3/4 साइन 20। अब ये 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला है, 2 साइन ए साइन बी ये फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला होता है। ओके भाई, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, जब माइनस करेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन ए साइन बी एडअप हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। तो क्या बनेगा, कॉस ए माइनस बी, किसी को माइनस कर लो, कॉस भी टर्म है, जैसे 80 माइनस 40 40 कर सकते हो, ए प्लस बी 120 इस तरह से। ओके साइन 20 कॉस 40 और कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ, यहां जगह प्लस हाफ, देखो कॉस 120 की वैल्यू होगी cos 180 माइनस 60 जो जाए तुम्हारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस cos 60 और माइनस हाफ। ठीक है, साइन वैल्यू से लेकर के 2 cos 40 प्लस 1 अपॉन 2। ओके इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई अंदर, 2 cos 40 और sin 20 प्लस sin 20। ओके अब इससे फॉर्मूला बनेगा आपका ना, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b होता है फॉर्मूला, sin a plus b minus sin a minus b हो जाएगा sin a plus b यानी 40 plus 20 minus sin a minus b 40 minus 20 plus sin 20।
देखो ये कितना हो गया साइन 20, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 3 बाई 8 ब्रैकेट साइन 60 रूट 3 बाई 8 क्या बनेगा रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर दो रूट 3 से 3 मिल जाएगा और 8 2 जा 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसको आप ध्यान से करेंगे। एक प्रॉब्लम और है ऐसी, ठीक है, तो सवारी एक्सरसाइज में से इस बार की प्रॉब्लम ऐसी ही है, cos 20 cos की फॉर्म में अभी है, सिद्ध करो cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16। लेफ्ट हैंड साइड cos 60 वैल्यू क्या होगी 1/2 इंटू cos 20 इंटू cos 40 cos 80 इसमें 1/2 से डिवाइड करो और 2 से कर दो मल्टीप्लाई और cos 80 ऐसे 1/4 cos 20। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी cos a प्लस बी 80 प्लस 40 अरे माइनस बी 80 माइनस 40 40 यानी cos 40। ठीक है cos 120 वाले भी बताई थी पिछले क्वेश्चन में आपको माइनस 1/2 cos 20 एलसीएम 2 लेंगे माइनस 1 और 2 cos 40 डिग्री। ठीक है 4 टू 8 तो 1/8 मिलेगा इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी माइनस कॉस 20 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो 2 कॉस 40 और कॉस 20 माइनस कॉस 20। अब 2 कॉस ए कॉस बी ये किसका फॉर्मूला है 2 cos a cos फॉर्मूला है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है ये फॉर्मूला है cos a प्लस बी 40 प्लस 20 60 प्लस cos a माइनस बी 40 माइनस 20 20। ठीक है अब देखो cos 20 से cos 20 कैंसिल क्या बचेगा 1/8 cos 60 तो क्या मिला आंसर आपको 1/8 और cos 60 वाले 1/2 तो 1/16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके इस तरीके से आज ट्रिग्नोमेट्री हमारी फिनिश होती है। ओके और नेक्स्ट टॉपिक जब भी शुरू करेंगे मेंस्ट्रुएशन शुरू करेंगे ठीक है उसके बाद रिवीजन करेंगे बाद में तो यहां तक आप कर लें ठीक से जो प्रॉब्लम आपको अलग से आती हैं वो अलग से करें ठीक है और जिसमें प्रॉब्लम आती है वो आप मुझको लिख के भेजें कमेंट बॉक्स में वो आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है थैंक यू।